इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। निकलेगी ना तो भी मेरे जैसा नहीं मिलेगा इसे। दिया लेकर ढूंढूं या टॉर्च लेकर, पर इस जैसा तो हरगिज नहीं ढूंढूंगी। कितना सोचती थी मैं कि मेरे सपनों का शहजादा घोड़ी पर बैठकर आएगा, पर आया तो ये। घोड़ी पे दूल्हे को क्यों बैठाते मालूम है आपको? जी रब का इशारा होता है कि बेटा आखिरी मौका है, भाग सकता है ना तो भाग ले, पर हम जैसे फुद्दू ये रब का इशारा समझ ही कहां पाते हैं। ये मर्द जात कभी औरतों की हुई है? और औरत को तो किसी जात की कैटेगरी में काउंट ही नहीं करना चाहिए ना। पूरी लाइफ तो इनकी स्पॉन्सर्ड होती है, पहले पियो खर्चे उठाता है और बाद में बेचारा पति। हाँ तो क्या गलत है? ओ जी मैरिड जनानियों के अरमान ही कितने होते हैं, अच्छा खाना, अच्छी सी शॉपिंग और अच्छा सा सेक्स और की।
पर क्या बताऊं? अब इसे क्या मालूम जी कि मेरी लाइफ ने ना कैसे कैसे बचाई है। सुनो जी, सास बहू और साजिश लगा दो, टाइम हो गया। वो अमेरिका वालों ने 5वां रॉकेट भेजा है स्पेस में, तुझे सास बहू की पड़ी है। हा? देखो जी, अगर आपने मुझे मेरा प्रोग्राम नहीं दिखाया ना आज, तो आज आपको खाना नहीं मिलने वाला। बस कह देती हूँ मैं, घर में जितने बंदे हो उतने ही टीवी चाहिए। ओहो, आप भी ना सारा दिन डिस्कवरी और न्यूज चैनल लगा के बैठे रहते हो। आपको अपने बेटे की न्यूज का पता है? आपके बेटे ने सारे मोहल्ले से उधार ले रखा है। उधार नहीं मम्मी जी, लोन, पर्सनल लोन। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, सारे के सारे ना बैंक से लोन लेकर ही अपना धंधा शुरू करते हैं। क्यों डैडी जी? और हमारे देश ने तो पता नहीं कितना लोन लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से। आपको तो ना अपने बेटे की ना गुडविल पे ना प्राउड होना चाहिए, प्राउड। पूरे मोहल्ले में किसी ने पैसे देने से मना नहीं किया मुझे डैडी जी। ओए, जब ये लोन चुका नहीं पाएगा ना, तब तुझे गुडविल का पता चलेगा, निकम्मा कहीं का। बेटे, तेरे कॉन्फिडेंस पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। सेम टू सेम डैडी जी। कोबी बनी आने में। और फिर क्या था जी, हर टाइप के बिजनेस सोचे। पहले खोली जी दारू की दुकान। दुकान खोलते ही जी पापा जी की ना एक बात याद आ गई कि बेटा कोई भी दुकान खोलो, पहले दिन ना फ्री च सामान बांटो, ते दूजे दिन का ग्राहक पक्का हो जाता है। फिर क्या था जी, मैंने पहले दिन फ्री में दारू क्या बांटी कि फ्री की दारू पी के साले शराबी इतने फ्री हो गए, सालों ने घर जाके अपनी बीवियों को फ्री में कुट देता। शराबी मर जा रहा, तेरा कख ना रवे, वे तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़े कीड़े, तेरा कख ना रवे, तू मर जावे। बोया मरे तू, कल तेरी शराब पीकर मेरे गुंगे घर वाले ने मुझे लिख लिख कर गालियां निकाली। तो मेरी क्या गलती है? तेरे मोहल्ले में दारू की दुकान खोल के बैठ गया। ये कंजर जी दुकान बंद कराओ, ये तो साढ़े घर बर्बाद हो जाने। वो शराबियों की बीवियां मुझसे फ्री हुई हैं, ये भी नहीं देखा कि पराए मर्द को कहां कहां मारना चाहिए। अभी भी याद करता हूं ना जी, तो मेरे दोनों हाथ ऑटोमेटिकली मेरी टांगों के बीच में चले जाते हैं। इस तरह जी हो गया मेरे पहले बिजनेस का शटर डाउन। कि मार खाने के बाद मैंने अंदर की बात सोची कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर औरतें एक मिनट भी ना चल सकती हूं। फिर काफी गहराई तक सोचने के बाद मैंने खोल ली ब्रा ते पैंटी दी दुकान। वो तो है। हाँ। गल सुनो। हाँ जी, एक सेकंड जी। राजू यार, ये मैडम ने दिखाई। मैडम आप उधर जाओ और पानी सानी पिला दियो। हाँ जी। वो क्या है ना कि बेबी की डिलीवरी के बाद मेरा साइज थोड़ा बढ़ गया है, तो इससे पहले कि मैं गलत ब्रा ले जाऊं, आप ना मेरा नाप ले लो। ओ जी जरूर लेंगे जी, ऐसे आ जाओ। हाँ जी, ऐसे आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। शायद अफरीदी, अब्दुल रजाक ऑल मिस फायर। इंडिया पाकिस्तान के मैच के चक्कर में मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया जी। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल थी और एक्साइटमेंट में धोनी की जगह मैंने बॉल कैच कर ली। तेरी तो मतलब गलत चीज पकड़ ली। तो फिर क्या था? उधर इंडिया नु कप मिल रहा था और इधर ये जनानियां मुझे जुत्तियां मार रही थी। लो जी, हो गया ये धंधा भी फ्लॉप। फिर मैंने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा धंधा खोलूं जिसमें पिटने की नौबत ही ना आए। पर वो कहते हैं ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज दिलाने में जुट जाती है। साला न जाने किस हराम खोर ने सच्चे दिल से दुआ मांगी थी कि टीटू साला बर्बाद हो जाए। बस फिर क्या था, पूरी कायनात ही जुट गई थी मुझे बर्बाद करने में। बचे खुचे पैसों से कुकड़ों का काम अभी खोला ही था कि मुर्गे और मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो गया, वो क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू। बस फिर क्या था, लग गए लाइफ के पकौड़े। और जिन जिन लोगों से उधार लिया था, उन लोगों की भीड़ घर के दरवाजे पर। आपने वो कहावत तो सुनी होगी,
जब किस्मत होगी पांडू तो क्या करेगा टीटू? तू नहीं या फिर तू ही नहीं। ओए लोग ठीक कहते हैं कि पैसे हमेशा बराबर वालों को देने चाहिए। और कंजरा, अगर मेरी बेटी पीएससी फाइनल में फेल हुई ना तो उसका जिम्मेदार भी तू ही होगा। और टीटू और आपकी बेटी के बीच कोई चक्कर है क्या? ओ ना जी, अगर टीटू मेरे पैसे लौटाएगा तभी तो मैं फीस भरूंगी और कॉलेज वाले कुड़ी को एग्जाम में बैठने देंगे। हाँ दरवाजे रिवॉल्वर में तो 6 गोलियां होती है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AK-47 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 101 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਣ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਟੋ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਓ ਟਿੱਟੂ, ਓ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਮਾਰੀ ਓਏ। ओए किस बैंड के समोसे ने माँ बैंड की गाली दी है? ओए कंजरा, ओ वो तो चला गया मगर तू घर में छुप के रहता है ना, ये पता चल गया हम सब को। अबे चलो। ओए हरामजादे, अगर इज्जत इतनी प्यारी है ना तो पैसे क्यों नहीं देता तू टाइम पे? और ऊपर से जनाब ने घर आने का रास्ता ही बदल लिया हैगा। क्यों भाई, हमारी शक्ल पे एल लिखा है क्या? ओ पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और जिसने जो भी उखाड़ना है ना उखाड़ लो। मम्मी जी दर्द होता है ना, कमाल है यार। ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ, अब कुछ बोल भी? मम्मी जी क्या बताऊं, वो जिन जिन से पैसे उधार लिए थे ना वो उन सब ने मारा। तेरा बेड़ा गर्क हो टीटू, तुझे मैं बोलती थी ना कि उधार वाले चक्रों में मत पड़, लेकिन तू मेरी सुनता ही कहा था। मेरा डरो मना गया पीपी। पापा जी अपने बचपन में चले गए थे, डॉक्टर ने बोला मेंटल हो गए हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा। तालमेल नहीं बिठा पा रहा हूं मैं, सॉलिड वाला कंफ्यूजन है। मतलब? वो कहा तो आपने सुनी है ना मिस्टर गिल, कभी भी अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर हैप्पी जी आप तो मेरे वकील हैं। वही कहावत वकील पर भी लागू होती है, सेम टू सेम। पर सर जी मैंने ना आपको सब सच सच ही बताया। ओ जी ब्रांच की नॉलेज ना हमको भी है, कभी कभी मिसेस के बहाने विंडो शॉपिंग हम भी कर लेते हैं, शॉर्ट में कट करते हैं। ओ मैंने एक गलत दस, ये गालियों और पिटाई से गुच्ची और एप्पल तक का सफर
इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? दहेज अच्छा मिला होगा। दहेज? ओ जी, इतनी चंगी मेरी बेबे, एक बार शर्मा शर्मी में ये क्या बोल दिया कि हमें दहेज नहीं चाहिए, तो इन बेशर्मों ने तो सच में कुछ भी नहीं दिया। और तो और, इसके रिश्तेदारों ने तो पता नहीं कहां कहां से डिनर से चुरा कर गिफ्ट किए कि जैसी प्लेट से फुलका उठाओ ना तो नीचे लिखा होता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फगवाड़ा। अच्छा? और ये तो कुछ भी नहीं, इसके भटिंडे वाले मम्मा को देख लो, उसके तो शगुन का लिफाफा भी खाली निकला। इसका मतलब दहेज में कुछ नहीं मिला? अरे ऐसे कैसे, मैडम के घर वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, पर मैडम लाई थी ना अपना वो इतना बड़ा बक्सा भर के फालतू के मेडल और ट्रॉफियां। अगर कबाड़ वाले कोई मुफ्त में दोगे ना सर, वो भी लेने से मना कर देगा। अच्छा, हॉकी चैंपियन और इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स की टीचर थी मैं, कोई वेल ही नहीं थी। अच्छे अच्छों के ब्याह के प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया था मैंने, और तो और फेसबुक पे रोज की 150 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी मुझको। 150? मैंने तो कह दिया, फिर एक बार ना कटरीना कैफ की फोटो हटा और अपनी लगा, फिर देख कैसे तेरी फ्रेंड लिस्ट ना सीधे जीरो पर आती है। इसको क्या मालूम जी, कितनी फैन फॉलोइंग थी मेरी। अकाल, मेरे साथ केवल 5 मिनट है, मैंने आपसे कुछ सीरियस बात करनी है। हाँ जी दसो। आपका ब्याह हो गया? ब्याह नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हो? वो मेरा भी ब्याह नहीं होया ना, हैप्पी वैलेंटाइन डे मिस। एक सेकंड। हाँ जी मम्मी जी। बेटे स्कूल से ना जल्दी छुट्टी लेके आ जा, तुझे ना लड़के वाली देखने आ रही है। क्या यार? और जी क्या हुआ? व्याह दसी अप्पा होर की घर पे बुलाया है, शादी करा रहे मेरी। हमारी गुलशन तो पिंड की शान है, आए दिन न्यूज़पेपर में उसके इंटरव्यू आते रहते हैं, और हॉकी में तो उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ये देखो पेंजी, ये देखो, पूरा ड्राइंग रूम उसी के तमकों से भरा हुआ है। लो जी गुलशन भी आ गई, आ बैठ बेटा। पास की सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर की जॉब करती है, और आपका बेटा बिल्कुल सनी देओल वर्गा लगता है। वो तो है। क्यों जी? बिल्कुल जी। सुंदर जैसे सैपनी करीना का नाम लिखवाया है ना हाथ पे, मैंने भी अपने पेट पे सनी देओल का लिखवाया है, दिखाऊं क्या? इस उम्मीदवार को तो देख के लग रहा था कि घोड़ी पर मैं चढ़ूंगी। देखो गुलशन, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, डोंट यूज माई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश एवर। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैंने बताया ही नहीं, कभी कभी उस खिड़की से ना रिक्की आया करेगा। होप यू विल नॉट माइंड बेबी। आपके खानदान का तुझे दी एंड समझो। क्यों? क्यों? और जी गुड बॉय पैदा किया है ना आपने, बधाई हो। जैसे इलेक्शन के टाइम पे हर कैंडिडेट की पार्टी घर घर जाके वोट मांगती है ना जी, वैसे ही एक दूल्हा फैमिली के जाते ही मम्मी दूसरी दूल्हा फैमिली से मेरी कैंपेनिंग कर रही होती थी। ओ बहन जी, हमें बहू चाहिए बहू, पीटी उषा या किरण बेदी नहीं। ना तो हमें तुम्हारी बेटी की ट्रॉफियों में कोई दिलचस्पी है, और ना ही उसके मेडल और सर्टिफिकेटों में। हमें तो ये बताओ कि सुबह जल्दी उठ के 6 कप चाय बंटी के पापा के लिए आपकी बेटी बना लिया करेगी, क्योंकि जब तक इसके पापा 6 कप चाय पी नहीं लेते तब तक उनको लैटरिन नहीं आती, और जब तक उनको लैटरिन नहीं आती तो मारे कब्ज के सारा घर CNG पे कर देते हैं। रात में मेरे बेटे का ध्यान रखे और दिन में मेरा, टीवी सीरियल देखूं तो ब्रेक में पकौड़े चाय देती रहे, बंटी का भतीजा सुसु कर दे तो उसका नैपी भी बदलना होगा। ओए, मैं आपको कोई 8 हाथों वाली देवी दिखाई देती हूँ
या फिर रोबोट लगती हूँ। पहले ना आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको अपने बेटे के लिए कुक, नर्स या नौकरानी चाहिए या फिर बीवी। रखो ये प्लेट नीचे, रखो। पंजाब तो पंजाब, मम्मी ने मेरी पब्लिसिटी कनाडा तक कर डाली थी। हेलो जी, ये गुलशन के चाचा। आई होप शी इज नॉट दोस पिंडती पेंची टाइप्स। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। इट्स द क्वीन यार। हे मैन, चल उठ यहां से। हैं, उठ, नाटक क्यों करता रहता है? मैं उठा। हमारी बेटी गुलशन। ठीक से बैठ। ऑल राइट, यू नो व्हाट, आई वांट एन अपमार्केट गर्ल, यू नो, हुज वेल रेड, वेल स्पोकन, एंड यू नो हु कैन मैच माय लेवल ऑफ आईक्यू एंड स्टैंडर्ड्स, यू नो। कहां तक पढ़ी हो तुम? एचएमवी कॉलेज से बीए किया है इन हिंदी मीडियम। हां, आई हेट हिंदी मीडियम। हमने अपना सारा पैसा अपने ब्रदर की पढ़ाई पर लगा दिया। वैसे तो हम दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन टोरंटोज लाइफस्टाइल इज वे टू एक्सपेंसिव। और फिर आपकी बेटी को ग्रूम भी तो करना पड़ेगा ना? इसके लिए 50 लाख तो बनता ही है। व्हाट्स इट ब्रो? 50 लाख? या लग रहा था पिंड पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया हो। बोले सोनिहाल सात्रियकार। तू यहाँ पिंड में मिस यूनिवर्स ढूंढने आया है क्या? कनाडा वालियों को अफोर्ड नहीं कर पाया तो पंजाब का टिकट कटवा लिया। चल निकल यहाँ से, निकल। कहाँ जा रही है तू? खेलने जा रही हूँ मैं। घर में रायता फैलाकर फिर से चली आवारागर्दी करने? तो क्या आपके साथ बैठ के सियापा पाऊँ? स्टेडियम जा रही हूँ मैं। सारे सियापे की जड़ ना, ये तेरी हॉकी है, हॉकी। मम्मी तुम चल दे, छोड़ो ना, दे। आओ, ऊपर से जुबान चलाती है कैंची की तरह। आज तेरा फैसला कर ही देती हूँ। चल अंदर, अंदर चल, छोड़ो, चल अंदर। बहुत जुबान चलती है आजकल तेरी। हैप्पी वे सोल नंबर डायल करे। मैंने भी इस बार गुलशन के पापा को खुला चैलेंज कर दिया है कि अगर इस हफ्ते मैंने इसका ब्याह पक्का नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी हरप्रीत कौर ग्रोवर नहीं है। हाँ गुलशन बेटा, हीरोइन बन के एक्सप्रेशन दे। ओ जी, आजकल दे बच्चे ता माँ बाप दी गल्ला समझना ही नहीं चाहते। भैन जी, तुहाडी गुलशन ते फिर भी सेल्फ डिपेंडेंट है जी। अजी मेरा बेटा शंटी ते एक नंबर दा हराम खोर है जी। गुलशन पुत्र, काजल वाली स्माइल, वेरी नाइस। वाह जी वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋषि कपूर की फिल्म नसीब अपना अपना के हीरोइन के मेकओवर की तरह। कंटिन्यू जी कंटिन्यू। मम्मी ने ना इतनी मेहनत कर डाली थी मेरे ऊपर कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अजी जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, ये मम्मियां तो ना ऐमे टेंशन लेती रहती हैं। मुझे तो मेरी अप्सरा ना यहाँ पिंड में मिल गई थी जी। दोनों हाथों में ना लड्डू थे जी मेरे। ऐसा लग रहा था जैसे राजयोग शुरू हो गया हो जी। तो फिर प्रॉब्लम कितों आ गई? जैसे हर एक लव स्टोरी में एक विलन होता है ना जी, मेरी लव स्टोरी में भी ना एक शैंटी नाम का विलन था।
बोलो बेटा। नमस्ते बाबा। बाबा एक मुश्किल है मेरी, हर साल बच्चा पैदा हो जाता है बाबा। कॉन्डोम लगाते हो? हर बार लगाता हूँ बाबा। हर बार, फिर भी समस्या बार बार। अपने मोहल्ले में और अपने मोहल्ले से जुड़े हुए सारे मोहल्लों में कॉन्डोम बंटवा दो। कृपा वहीं से आ रही है। ठीक है बाबा, कृपा। बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा जी, मैं ना वो माँ बीमार है? नहीं नहीं, मतलब वो बाप का धंधा डूब गया है? नहीं बाबा जी, मतलब मैं ना वो उसको बहन की शादी नहीं हो पा रही है? नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं है, मतलब उसको मैं बहुत वो समझ गया मैं, स्वप्न दोष की समस्या है। नहीं बाबा जी, स्वप्न में भी नहीं, मतलब वो है ना वो उसको वो आई लव गुशन कौर बाबा जी। मतलब गुशन कौर जी। आगे बताओ। बाबा जी, मैं ना गुलशन से बहुत प्यार करता हूँ। पता है मैं गुलशन से कितना प्यार करता हूँ? एक बार उसने ना बचपन में चिंगम खा के ना टेबल के नीचे चिपका दी थी, तो जी वो चिंगम है ना आज तक मैंने अपने पर्स में देखो संभाल के रखी है। तो फिर पंगा क्या है? पंगा ये है ना बाबा जी कि वो मुझे ना घास तक भी नहीं डालती। ऊपर आओ और कृपा पाओ। हटो हटो, कृपा लेनी है, हटो। बाबा जी की जय। आशीर्वाद। छी, टट्टी की दवाइयां। इतनी घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, बरसों की मेहनत का फल है ये। हमारी तंत्र विद्याओं से तैयार की गई इन हर्बल दवाइयों का सेवन कर तुम पर भरपूर कृपा होगी। अच्छा बाबा जी, इसका कितना? मात्र 3,000 रुपए। 3,000? बाबा जी, इतना कैश तो नहीं है मेरे पास। चिंता की आवश्यकता नहीं है, इसका हल है हमारे पास। तुम कार्ड दो, हम स्वाइप करेंगे। स्वाइप? कैश नहीं तो कार्ड। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बाबा जी आशीर्वाद। आशीर्वाद। बाबा जी की जय। विजय भवा। ओ शिट यार, फिर से खन्ना आंटी के गेट के बाहर जाके टट्टी कर दी इसने। अब देखना पानीपत का मैदान बना देना इन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर में। ओए गुलशन, तू मेरे स्टूडियो आई थी फोटो खिंचवाने? हाँ आई थी। देख पापा ने क्या भेजा तेरे लिए, फोटो फ्रेम्स। बड़ी कैंट लग रही है इनमें तू। लेकिन ये देसी अवतार में 10 अवतार क्यों? ब्याह दसी अप्पा शांति, मम्मी शादी करा रही है मेरी। अच्छा देख मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए, ये ना हर्बल मिठाई है, इसको खा के ना तेरी त्वचा में वो फेयरनेस क्रीम वाला निखार आ जाएगा। लगता है महाभारत शुरू हो गई यहाँ पे शांति। तू निकल यहाँ से, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। खा लेना। खा लूँ, नहीं जरूरी है, खा लेना। तू जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओए, तू अपने कुत्ते को संभाल के नहीं रख सकती? रोज मेरे गेट के आगे टट्टी करके चला जाता है। ओए खनिया की बच्ची, अपनी जुबान पे लगाम दे। अभी एक बाल्टी पानी गिराती हूँ, सारी सफाई हो जाएगी। क्या हुआ मम्मी? वो देख, ये देखो लड़कों जैसी बेटी। आंटी की बच्ची, ये घर है घर, यहाँ पे चिल्लाना नहीं है। ओए चुप कर पिद्दी सा, ना बेटी पे लगाम है ना कुत्ते पे लगाम है, अजीब खानदान है ये। ओए आंटी, तू अपने को और अपनी बेटी को संभाल समझी? किस किस के साथ मॉर्निंग शो देखने जाती है कॉलेज बंक करके, मुंह मत खुलवाओ मेरा। हाँ मैंने भी इसको सन्नी लेडी सूट की दुकान वाले बॉबी के साथ देखा था गन्ने के खेतों में। तू क्या कर रहा था वहाँ? हाँ तू क्या कर रहा था? चल अंदर, तेरी तो अच्छी खबर लेती हूँ मैं, चलो उधर। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने इन ट्रॉफियों श्रॉफियों का जिक्र भी किया मिस्टर गिल और मिसेस गिल के सामने, पकड़ा वो। हाँ। अब तो तेरी शादी पक्की करके आऊंगी। हाँ दे यार मम्मी, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? क्या बोलेंगे पापा, सारे स्यापे की जड़ ये हॉकी है। क्या दिया गवर्नमेंट ने तुझे हॉकी खेलने का? आज तक एक पैसा भी नहीं दिया।
आज अगर टेनिस में होती ना तो गवर्नमेंट तुझे पैसे दे रही होती, और कम से कम हम ये तो कह रहे होते कि लड़की पैसे कमा रही है। अब अगर इसे किसी ने खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कोई मजाक बात है इतने मेडल्स और ट्रॉफियां जीतना? इस देश में ना फीमेल खिलाड़ियों की कोई कदर ही नहीं है। काश मैं वो बॉम्बे की कंट्री में पैदा हुई होती। जुबान चलाती है कैंची की तरह। ओबामा तो तेरा मामा लगता है ना, सारे रिश्तेदार और पड़ोसी पूछते रहते हैं तेरी शादी का क्या जवाब दूं मैं। नया काम शुरू होते ही दो पैसे क्या कमाने लगा। मम्मी जी ने मेरी ईमेल आईडी दुनिया भर की मैट्रिमनी साइट्स पे डलवा दी। कैसी कैसी फुकरी लड़कियों के बायोडेटा प्रपोजल आ रहे थे। देख 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 कितनी सुंदर है। क्या है? बहन जी क्या कर लेती है आपकी बेटी? अरे बहन जी मेरी बेटी तो घर का सारा ही काम कर लेती है। वो देखो साग काट लेती है, आलू की परांठी बना लेती है, कपड़े धो लेती है, मांज लेती है, और क्या बताऊं बहन जी। धार्मिक तो इतनी है, सूरज उगने से पहले गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के आती है। क्यों जी? बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। लो जी ये है मेरी बेटी गुलशन। समोसे लीजिए। ये जो समोसे है ना जी, ये ज्योति चौक हलवाई के समोसे हैं। ये ज्योति चौक हलवाई वाले के समोसे, और ये जो रसगुल्ले है ना जी, ये इस्लामगंज वाले भीमा हलवाई के हैं। गुलशन चलो तुम जाओ और टीटू को घर दिखा के आओ। टीटू तुम जाओ घर देख कर आओ, और बेटा आज से इसे अपना ही घर समझना। जाओ बेटा। घर में किसको इंटरेस्ट था, मैं तो अपनी घरवाली को देख रहा था। बहन जी ये तो आपने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने लड़का लड़की आपस में बात बात भी कर लेंगे। हाँ जी। तुम डोरेमोन देखते हो? नहीं मैं तो छिन छिन देखता हूँ। आओ जी आओ, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये देखो ये है मेरे मम्मी पापा का कमरा, और ये है मेरा कमरा, ये मेरे भाई का कमरा है, ये सारा सामान भी ना उसी का है। इसको देखो जी, इससे कहते हैं हॉकी, और ये है बैट, इससे खेलो तो सरकार और स्पॉन्सर्स पैसे देते हैं, और इससे खेलो तो जिस सिटी में मैच होता है ना वहाँ प्लेयर्स को होटल तक नहीं मिलती, और जी सोना भी ना बस अड्डे पे ही पड़ता है। मेरी बात मानो तो माता रानी को ना बंदी बंदियों को जमीन पर भेजने से पहले एक फॉर्म फिल कराना चाहिए, और जी चॉइस तो पूछनी चाहिए कि कौन सी कंट्री और फैमिली में बॉर्न होना चाहते हो, नहीं तो ना लाइफ का मिसमैच हो जाता है जी। मेरी तरह एक सीक्रेट बताओ, इधर आ। दिन की दो डब्बी सिगरेट पी जाती हूँ मैं। हाँ? और रात को ना जब सब सो जाते हैं तो रेड वाइन पीती हूँ छत पे बैठ के। ओ जी कमाल है। ओ जी मैंने भी ना कोई ब्रांड नहीं छोड़ा जी, दोनों ना कट्ठे कट्ठे पिया करेंगे जी। आपका गला सूख गया होगा जी, मैं आपके लिए पानी लाऊं? कोई जरूरत नहीं है, गुलशन कॉक ग्रोवर सेल्फ सर्विस में बिलीव करती है। हाँ जी मतलब शादी के बाद खुद खाना बनाना पड़ेगा जी, मेरे को तो ना सिर्फ चाय बनानी आती है। पर कोई गल नहीं जी, बाकी खाना आपके भीमाल भाई से मंगवा लिया करेंगे। क्यों जी वैसे ना हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो आप। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो जी, बधाई हो। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि दिल और दिमाग दोनों ने सरेंडर कर दिया था। जो भी हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। हेलो। हेलो जी, सारी तैयारी हो गई? और शादी की तैयारियां तो मम्मी पापा करेंगे ना। ओफो तुम्हारी तैयारी। हाँ सारी तैयारियां हो गई हैं, पूरे 100 स्टॉक किए मैंने, हर ब्रांड और हर फ्लेवर के। 100 की क्या जरूरत है? ओ ले, ओ बंदो हनीमून पे जाता है तो 24 घंटे हनीमून ही तो बनाता है।
पता चला वहां जाके दूर दूर तक तो कोई दुकान ही नहीं मिली, तो क्या कद्दू होगी फैमिली प्लानिंग? ओ सोनिए ओ सोनिए, तेरा मेरा साथ यूही रहना यूही रहना। ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना, होठा दिया लालिया कन्ना दिया वालिया, कुछ ता है कहंदी सुनता लूं मैं, मेरे अपने तेरे अपसे तेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बन मैं। ओ मेरी सोनी वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं, तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, हर जिंद आवे मेरी रहना। ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए नजरानू खावाने भी छड़ेया, बिन तेरे जिया भी ते माहिया, जीवे रू जान बिना, दिल मेरा कहंदा है हर पल रहेगी साथ तू बन मेरा साया। सोना सोना ना तेरा जिंदड़ी च मेरी खुशियां दा पैगाम लाया। ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। करके मैरिज करते हैं, हमें तो मैरिज करके एक दूसरे से लव हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सात जन्मों का साथ हो, पर अब लगता है ना कि एक जन्म भी साथ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इस मेड फॉर ईच अदर कपल में एक प्रॉब्लम कितनों आ गई? प्रॉब्लम तो जीना चिल्ला चिल्ला के आ रही थी। बाबा चूतिया बनाने वाले डोगी बाबा छोड़ के चलेगी वो मुझे। परेशानी क्या है, जरा विस्तार से बताओ डिटेल में। अरे बताया तो था कि कितना प्यार करता हूँ मैं उसे, तेरी लुक की टट्टी ने ना कुछ असर नहीं किया, किसी और से शादी भी होगी उसकी यार। अच्छा पिछली बार लाल चटनी कब खाई थी तुमने? अभी कल ही तो खाई थी समोसे के साथ। नहीं नहीं जलेबी के साथ लाल चटनी कब खाई थी पिछली बार? जलेबी के साथ
कौन खाता है जलेबी के साथ लाल चटनी? पहले ना तो मुझे उसका एड्रेस दे, अभी उसकी माँ छोड़ के आऊंगा मैं। तुम्हारी प्रगति की गाड़ी यहीं रुकी है। तुम्हें उस बंदे का पता ही नहीं पता जो जलेबी के साथ लाल चटनी खाता है। फिकर की कोई बात नहीं, मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है मेरे पास। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें जो चूर्ण दे रहा हूँ उसे काले कुत्ते की टट्टी में मिलाकर उस लड़की को खिला देना। अगर वो 12 घंटे के अंदर तुम्हारे पास लौट कर नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना। पक्का ना बाबा जी? पक्का पक्का हक्का बक्का हो जाएगा तो उन दिव्य शक्तियों का चमत्कार देखकर वो तेरी सहायता करेंगी। बाबा जी आपका वादा है। जा, आपका वादा है बाबा जी, जल्दी जा। ओके बाबा जी, मेरा आशीर्वाद, तेरी बुंड मेरी लात, मेरा आशीर्वाद। जा। भूतनी की फिटे मुआए, भूतनी की तेरी माँ दा ड्रम बजाऊं। तुझे कोडिंग भी लाई थी क्या मैंने? कर दे यार, कब से बिठाया है। इन बाबा लोगों ने लोगों का उल्लू बना बना के अपने घर पर लिए हैं। साले प्रवचन करते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, मोह माया में क्या रखा है वगैरह वगैरह, खुद बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, BMW में घूमते हैं। और खैर छड्डो जी, वो हर्बल लड्डुओं का क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है, देती हूँ। मम्मी जी सलाद देना। ले। गुलशन, तुझे पता है आज ना मैंने पहली बार ही 4 रोटियां खाई हैं डिनर में। अच्छा, वो क्यों? तूने अपने हाथों से जो बनाई है। अच्छा, मैं स्वीट डिश में ना मम्मी की भेजी पिनिया लेकर आती हूँ। चंगा, मैं भी तेरी मदद करता हूँ। मेरी फेवरेट है ये पिनिया। मेरी भी। और बता, सब कैसा चल रहा है? रब्दी मेयर है जी। पाओ पाओ। अरे तेरा कल MTV रोडीज का ऑडिशन है ना? हाँ है ना कल। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। हाँ, एक और रख दे वापस। इसे मैं ले लेता हूँ। अरे तू छोड़, मैं ले। अरे कोई बात, अरे तू मेहमान है। अरे तू छोड़, अरे अरे छोड़, कोई बात, अरे अच्छा नहीं लगता। गुलशन कोई बात नहीं, छोड़ ना, छोड़ बोलो ना। और वैसे भी ना मेरे नए गेटअप के साथ ये अच्छी लगती है। वैसे सूट वूट में तू लगती तो एकदम टोटा ही है। कैसी बात करता है तू? पापा जी। बैठना शांति पुत्र। मम्मी ने पिनिया भेजी है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा था? हाँ जी। लेना। इतना क्या सोच रहा है? अरे खा ना। गुलशन तू खा ना। मैं तो खा रही हूँ। खा ना, ये देसी घी की बेसन की पिनिया है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है। खा ले बेटा, खा। आंटी खाओ। हाँ मैं भी खा गुलशन। अरे खा। शांति पुत्र,
आज तू इधर ही रुक जा। क्यों? हाँ रुक जा ना। अब इसको क्या हुआ? ये साला हो क्या रहा है मेरे घर में? और तू ना अपनी पिनिया खुद खा। अरे सब जानता हूं मैं साली कुत्ते, तू भी मिली हो इस बाबे के साथ। हेलो हेलो, इट्स जेसिका। बाबा जी से बात करा? बाबा जी आप ईशावासान मुद्रा में है, आप अपना मैसेज दे दीजिए। तो फिर ना दे देना मेरा मैसेज उसे, उस बॉस जी के को बोलना उसकी, वो तो क्या काम से साला फुद्दू बाबा शंटी बेदी को चूतिया बनाएगा। बाबा जी, he is saying you are फुद्दू। साला मेरी नींद उड़ा के खुद शवासन में सोया है। बोल देना उसे कि उसकी ना बारात निकालने मैंने ना पुलिस और न्यूज चैनल वालों को भेज दिया है। टट्टी बाबा बहन का टका कहीं का? बाबा जी, he is saying you bank का टका। अरे तो काट देना फोन। साली अंग्रेजी ने फोन काट दिया। जाएगा ना साहब, अभी अभी तो तेल डाला हो। अबे चलना दिल्ली। रिक्शा। कितने हुए? 90 रुपए। ऐले सौरख, 10 का तेल डलवा लेना। बस बस यहीं रुक जा बस। जी अब बता, क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो इतनी सुबह बुला लिया? कॉफी पिएगी? नहीं नहीं तू पी, बता ना क्या हुआ। देख इसे, इसे देख कर ना तेरे तोते उड़ जाएंगे। देख क्या बकवास है ये, तू ठीक तो है ना? बकवास नहीं है, सब सच है। कल रात अपनी आंखों से देखा मैंने, पूरी रात इसी के साथ था। नेक्स्ट टाइम तूने मुझे वेट कराया ना टीटू,
तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। अच्छा जी। यार वो मेरी बीवी के फ्रेंड्स आ गए थे ना, इसलिए सॉरी यार। तुझे पता है ना टीटू, इट्स सो डिप्रेसिंग टू स्टे ऑल अलोन इन दिस बिग हाउस। ऊपर से कोई मिलता भी तो नहीं है मेरे आईक्यू लेवल का, नहीं तो शादी कर लेती तेरी तरह। दिन तो ऑफिस में गुजर जाता है टीटू, पर शाम होते ही आई फील सो लोनली। लोनली क्यों, फोन कर लिया करो यार, बंदा हाजिर है जी आपके लिए। यार कोई कितना देर फोन पर बात कर सकता है। हाँ बट यू नो यू आर राइट, अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होता ना तो आई वुड हैव बिकम अ मैनिक डिप्रेसिव बाय नाउ। कभी कभी सोचती हूँ ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाऊँ, पर क्या करूँ, फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस है एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो संभालना तो मुझे ही पड़ेगा ना। डोंट हैव अ ब्लडी चॉइस। तो प्रॉब्लम क्या है, आप बिजनेस संभाल लो, हम आपको संभाल लेंगे हैं। वैसे एक बात तो है डिंपल, टाइकून होते हुए तुम बड़ी ग्राउंडेड हो यार। सरकार नसीब है हमारा जो हम आपके गुलाम हैं। तो फिर शुरू हो गया। लेट्स गो इनसाइड। चलो। शाम को ऑफिस से फ्री होके फोन करती हूँ, तब तक डीएनडी ओके। अरे सुबह से लेके शाम तक तुम्हारे फोन की घंटी का इंतजार करता हूँ यार, कमाल है। अब तो निकल ले, नहीं तो तेरी बीवी तुझे हंटर से मारेगी। ओले, मैं भी देखता हूँ कौन किसे हंटर से मारता है। मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर जाएगा शांटी। मैं? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, समझा? बस फोटो मेरे मोबाइल में ट्रांसफर कर जल्दी। कमाल है, भलाई का जमाना ही नहीं है। भेज ना। ऑन कर। भेज दी। और खबरदार जब तक मैं फोन ना करूँ ना मुझसे दूर ही रहना, समझा? गैजेट दो। रुक जाओ नोबिता, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हाँ? डोरेमोन तुम क्या कर रही हो, प्लीज मेरी बात सुनो। अबे नू क्यों है सवेरे सवेरे? आज डोरेमोन बहुत गुस्से में है, आज वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ जी, लगता है गलत घर में आ गए जी। एकदम सही पते पे पहुंचे हो तुम, मैं ही गलत घर में आ गई। एक ग्रांटेड ड्रीम है गजी। यही रियलिटी है कि साले उठ। और ये है मेरा कमरा, ये मेरे भाई का कमरा है, ये सारा सामान भी ना उसी का है। ओ गुलशन, तू एकदम अलग दिख रही है यार। क्यों, मैं बीच से कटकर दो हो गई हूँ जो अलग दिख रही हूँ? यही मेरा असली रूप है, काश ये रूप पहले दिखाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। मतलब ये सपना नहीं है? डीवीडी कवर जया भादुरी गुड्डी का और फिल्म निकली जैकी चैन की। यार तेरे लिए ना मैं जया भादुरी बनी थी, पर तेरी करतूत की वजह से मुझे वापस जैकी चैन बनना पड़ा। क्या मतलब? अब भी दिखाती हूँ तुझे, ये देख, तेरी और तेरी उस रात की रानी गर्लफ्रेंड की करतूत। देख शांटी ने अपनी आंखों से देखा और फोटो खींची। दिखा तो दे यार, तेरे को बताया था ना मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा है। अच्छा बताया था प्रॉपर्टी डीलिंग कि मेरी क्लाइंट है यार, अकेली रहती है बेचारी यार, बीमार हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। तू अपना फोन समझता है ना, डॉक्टर बन गया है तू जो रात रात भर अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ पप्पियां झप्पियां खेलता है। सोच बदल तभी देश बदलेगा, समझी? क्या पेंडू लोगों से बातें कर रही है, कमाल करती है यार। तेरे को तू उस दिन जब शांति के साथ किचन में आंख मारी थी ना, तूने देखा था अपनी आंख से मैंने, पर मैं खून के आंसू पी गया गुलशन, पर तुझको कुछ भी नहीं बोला समझी? हेल्दी कन्वर्सेशन थी टीटू, तेरे जैसे रात रंगी नहीं करके आई मैं किसी के साथ। तू जो भी करे वो हेल्दी कन्वर्सेशन, असली जफी पाले तो चीप मेंटालिटी, ताली एक हाथ से नहीं बजती गुलशन। बस ना कर, ताली नहीं पर हॉकी तो बच सकती है ना, दिखाती हूं तुझे अभी। पति को मारेगी यार हॉकी। हां नहीं हॉकी उठाओगी मैं तेरे ऊपर। मम्मी जी एक सेकंड। तो आप उन डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार पत्ती में से एक है। ये प्रॉब्लम तो देश में बढ़ती जा रही है। नहीं जी वो बात नहीं है, बस वो थोड़ी डोमिनेटिंग है, वो बेडरूम के बाहर भी और बेडरूम के अंदर भी। ओहो तो आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
जिसकी वजह से आप डाइवोर्स लेना चाहती हैं। ओ जी, ये बात होती ना तो मैंने एक हॉकी टिट्टू को मारनी थी और दूसरी उस चुड़ैल को। दो दिन के अंदर टिट्टू का कैरेक्टर ना बाउंड्री लाइन के अंदर ले आना था, पर प्रॉब्लम तो इससे भी बड़ी थी। स्यापा तो कुछ और ही था। और ही था? ओ भाई, ये केस मेरे पले नहीं पड़ रहा, कुछ ठंडा ठंडा पी लूं यार। ओए गुरपाल, ओए, और ठंडा लेके आ छेती, आई नीड अ ब्रेक। ओए ले आ, ओए छेती ले आ। भाई पहले तो तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता था, फिर तुमने शादी के लिए गेटअप भी चेंज कर लिया, फिर तुमने बताया कि तुम्हें शादी के बाद तखत सिंह से प्यार हो गया। एक तरफ तो तुम्हें अपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई बड़ी बात नहीं लगती, और दूसरी तरफ ये डाइवोर्स फाइल करना है। ओ भाई, ये माजरा क्या है? पति से प्यार भी है और उसे छोड़ना भी है। ओ लाओ जी लाओ, ये मुझे दो भाई, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। बस यही हालत हो गई थी मेरी। मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये तखत सिंह आखिर करता क्या है, और मेरा शक ना दिन पर दिन क्लियर होता जा रहा था। गुलशन, शांती, मैं लुट गई, बर्बाद हो गए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नहीं नहीं गुलशन, तेरा रेप नहीं हो सकता। रेप? वो डफर तू पागल है क्या? मेरा कोई रेप वेप नहीं हुआ है। मैंने तो तुझे टीटू की करतूत बताने के लिए फोन किया था। अरे टीटू ठरकी निकला, ठरकी। क्या? टीटू ठरकी निकला? रुक, तू ना मुझे वहां आने दे। मैंने ना उसके नींबू निचोड़ देने। देखो भाई, अब बुरा नहीं मानना, चैंटी के साथ तुम्हारा शादी से पहले कोई चक्कर वकर तो नहीं था? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसी क्या खास बात थी कि तुम्हें चैंटी की ही मदद लेनी पड़ी? सर, वो मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक रात अचानक मेरी नींद खुली और मेरे बाजू में ये नहीं दो तकिए थे। मुझे शक हुआ। अगले दिन पे नजर रखने के लिए मैंने सोने का बहाना किया, और जैसे ही मेरी नींद लगी ये बाहर निकल गए। ओ भाई, इसमें शक करने की कौन सी बात है? है? हो सकता है कि वो अपने किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद करने के लिए गया हो। ओ भाई, तुम्हारी नींद ना खराब हो, इसलिए उसने आपको बताया नहीं होगा। सर, बात एक रात की होती ना तो मैं सह लेती, पर ऐसा गॉड की कसम मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। बस फिर ये पूरा मामला जानने के लिए मैंने पिंड से शांति को बुला लिया और बन गई लेडीज जेम्स बॉन्ड। चलाने के बहाने देखो क्या क्या करवाती, मैं पति हूँ वो अति है, सिंपति भी पा लेती, व्रत किए मेरे लिए क्यों इससे अच्छा खा लेती। खा लेती यार, सब पे कर दे रहे।
मैंने तुझे देखा उस तितली के साथ, ओए करना ना तू अब ज्यादा बकवास। वो मैंने ड्राइव पे ले जाए और डिनर पे कभी साला मारी मस्तियां, लेके आइटम है सभी। फेर है उसके। ये दिन देखने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई गुलशन? मरूंगी मैं नहीं, मरेंगी ये दोनों। होगी तू कहीं नहीं, मैं तो बस अपने अरमान निकाल रही हूं। तू ना अपने अरमान निकालती रह, वो लोग यहां से निकल जाएंगे। जल्दी चल, चले गए वो दोनों, जल्दी आ। ये क्या है? टीटू एमबीए?
पर ये तो MBA फाइनल ईयर में फेल हो गए थे। कोई वेबसाइट भी लिखी है, मैं पता करता हूँ। तू इसका पता लगाते रहे, मैं ना बीन की मदद से सही करती हूँ। पागल हो गई है तू? अरे कोई सबूत है तेरे पास? अगर उसने बोल दिया ना ये सब उसकी फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत गई पानी में। तू घर जा, मैं पता लगाता हूँ कि ये किस खेत की मूली है। सनसनाहट। चैन से सोना है तो जाग जाइए। आज हम आपको दिखाएंगे हवस के शिकारी की एक ऐसी दास्तान जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, यही है वो शैतान जो रात को अपनी अबला औरत को छोड़कर घर से निकलता है जंगली हसीनाओं की तलाश में, अपनी हवस पूरी करने के लिए। इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा है एक हैवान। आप सतर्क रहिएगा क्योंकि हो सकता है ये दरिंदा इस वक्त आपके आस पास ही कहीं दस्तक दे रहा हो। कहाँ हो गई? फोन बज रहा तेरा। हाँ शांति बोल। यार मैंने ना टीटू का सारा कच्चा चिट्टा फरोल लिया। जिस टीटू को तू अमोल पालेकर समझती थी ना, वो तो शक्ति कपूर निकला। क्या मतलब? तेरे ना नसीब के पकोड़े लग गए। पकोड़े? Anybody there? Hello sexy, तुम्हारी पेमेंट सामने टेबल पर पड़ी है, तो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। अरे चल गया बिन लाइटर रे, अरे चल गया बिन लाइटर रे। मैं पड़ा से घर तेरा रे करके तुझे रब से मांगा था, ऐसा काम करने से पहले तो मर क्यों नहीं गया? मम्मी जी। खबरदार, खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे मम्मी बोला तो। मर गया हाथ से टीटू हमारे लिए। चलो जी, चलो। डैडी जी। आज सुबह शांति ने जब आपका टीटू एमबीए वाला वेबसाइट दिखाया था ना, तब भी मेरा मन कह रहा था कि हो सकता है कोई और होगा जो आपकी तरह ही दिखता होगा। लेकिन अब आपकी असलियत देख ही ली। कैसे जी लेते हो ये दोहरी जिंदगी? घिन नहीं आती आपको अपने आप से? कुछ नहीं, ये सब मैंने मजबूरी में किया। मजबूरी में? मजबूरी में कोई इतना गिर सकता, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। गुलशन। पाजी, पाजी तुसी इन इमोशनल क्यों हो रहे हो?
तुसी तो पाजी स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, क्या ग्रेट काम किया आपने। लेकिन एक बात है, तुझे तो कोई भी मिल जानी थी, फिर तुझे मेरी इनोसेंट गुलशन नहीं मिली उसकी जिंदगी स्पॉइल करने को। देख अब ये एमएमएस तुझे हर व्हाट्सएप और बीबीएम पे स्टार बनाएगा। स्टार। मुजरा करता फिर रहा है। तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी इतनी ठाट बाट कैसे हो गए। ये चिगलवा क्या होता है? गाश्ती साला। अच्छा अच्छा, मेल उमराओ जान। आजकल तो लौंडे भी रंडियों का धंधा करने लगे हैं। क्या हॉट मुंडा है यार। मसल्स देख तू इसके। यार नंबर ही दिला देना इसका। ये तो कमाल का है, इस धंधे में कृपा भी ज्यादा है, अब तो धंधा बदलना पड़ेगा। ओ माय गॉड, अपना टीटू बड़ा फेमस हो गया, लगता है इसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। आय हाय, ये तो बड़ा सेक्सी है, इसका नंबर फॉरवर्ड करना तो। चल ले। हाय, कितना क्यूट लगता पे निक्की जी चड्डी पा के डांस करता होया। मिसेस गिल्डा पुत्तर, ऐसी नंगी नाच नाच रहा है। शी, पता नहीं क्या करता फिरता है ये टीटू। उतरी मेल स्कॉट, तभी मैं सोचूं ये महंगी महंगी चीजें आई कहां से। वैसे महीने में कितना माल अंदर कर लेते हो? कोई लिमिट नहीं है जी, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, 2 से 2.5 लाख मिनिमम। 2.5 लाख? 80 तो फुद्दू निकले। यार एक बात बता, ये जिगलो बनने के लिए बीए मांगते हैं कि साइंस करनी पड़ती है, और जिम में डोले शोले बनाने का भी खर्चा करना पड़ता होगा ना। वैसे काम अनसोशल है पर कमाई बड़ी है, दिख रहा है मुझे। अनसोशल कैसे बोल सकते हैं आप, जितनी भी औरतों के पास जाता हूँ ना, सारी की सारी हाई सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, और कई कंट्रियों में तो ये सारा धंधा लीगल है। अहो, पर संस्कार नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ, संस्कार तो हमने अपने नाड़े के बांध के रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है हमारे लोग ये बैंकॉक और मकाऊ सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं? अगर उनकी कंट्री वाली सैंडविच मसाजों का हमें यहाँ पे लाइसेंस मिल जाए ना, तो अपनी इकोनॉमी तो पता नहीं कितने आगे निकल जाएगी। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्स वर्कर्स को लाइसेंस नहीं अलाउ करता, और ऊपर से बीवी को पता चल जाए तो तुम्हारा जैसा हाल होता है। तो क्या करता मैं, क्या करता, सड़क पर आ गया था। एक तरफ वो डैडी जी के महंगे ट्रीटमेंट, और दूसरी तरफ मेरे मोहल्ले वालों के तो पता नहीं कहां कहां से कनेक्शन निकल आए थे। दुबई और कराची से ना बड़े बड़े डॉनों के धमकी भरे फोन आ रहे थे मुझे। कराची से मैं बोल रहा हूँ, डे फॉर डैडे। अबे डेढ़ पसली, यहीं से मिसाइल फेंक के मारूंगा ना, पिछवाड़े में घुस कर फटेगी। 24 घंटा है तेरे पास मिसेस गुप्ता का पैसा लौटाने के लिए, समझा? क्या रे, तुम नॉर्थ इंडियन लोग कब सुधरेगा रे? हैं? मैं वीरप्पन अन्ना बोलता है, 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मिसेस मेहरा का पैसा रिटर्न नहीं किया ना रे, तो मेरा आदमी लोग उधर आएंगे, तेरा लुंगी में घुस के तेरा पोंगी बजाएगा। कसम पैदा करने वाले की, लगता है अपने 156 का हैप्पी बर्थडे भी तुझसे ही करना होगा। और वो तो भलाओ ये अमीर प्यार की मारी औरतों का, जिनकी सेवा करके मैंने पैसे कमा के सबका उधार चुकता कर दिया, वरना यहीं बैठा होता आपके ऑफिस के बाहर कटोरा लेके। वही गुरु, दूसरों की बीवी को भी तो एक मिनट। हेलो पुष्पा। हेलो, तू मेरे से खुश तो है ना? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, पूछने के लिए फोन किया था। क्या दसो? अच्छा एक गल दस मैनू, तू किसी टीटू नाम के आदमी को तो नहीं जानती ना? टीटू? ओ नहीं जी। फिर ठीक है। अच्छा डिनर में ना बटर चिकन बनाना। ओके, अच्छा रखता हूँ मैं। ओके, लव यू पुशी। लव यू टू। बाय।
बात बता, इतने एडवांस वाले करियर के बारे में तुझे पता कैसे चला? अरे 3 साल पहले तो हम लोगों से उधार मांगते नहीं थकते थे, अब देख इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया है, वो भी मर्सिडीज। देख उसके माँ के ठाठ। हनी, गड्डी तेरी है? अबे मेरी है। एक तू है, निकम्मा कहीं। मारते क्यों रहते हो? और क्या करूँ तुझे, मोहल्ले में है किसी के पास इतनी बड़ी गड्डी? मेरा पुत्र मस्त भी लेके आया है। देखा उसकी माँ की अकड़ देख। ओए टीटू, आजा यार, बैंक जाना है, शाम में मिलते हैं। चल ठीक है, चल पुत्र, चल चल, चल आ जा अब तू। हन्नी भाई बता तो दे, तेरी कनाडा में लॉटरी लगी क्या? ओ मेरी छड़, तू सुना। क्या सुनाऊं यार, लेकिन यार प्रा मान गया यार तेरे को भाई, 3 साल पहले जो तू मिलियनेयर बनने का प्रॉमिस करके गया था यार, तूने पूरा कर दिखाया प्रा, हैं? कमाल है यार, कमाल है। पर एक बात सुन यार, यार अपने भाई को भी किसी धंधे में लगा देना कनाडा में यार। अरे कसम से कह रहा हूँ यार, 30 लाख रुपए उधार है तेरे यार पे। जितने भी धंधे खोले ना यहाँ हन्नी, सारे ठप हो गए यार। देख टीटू, तू मेरे बचपन का यार है, लेकिन तू मेरा वाला बिजनेस कर पाएगा? क्यों, वो क्यों नहीं कर पाऊंगा? अबे अपना बिजनेस स्टार्स वाला है, दो ही चीजें फेमस हैं कनाडा विच, एक तो तेरा हन्नी ते दूजा सनी। ओ अपने सनी देओल भाई। अबे सनी देओल नहीं। तो सुन, सनी लियोनी, सनी लियोनी आए। वो क्या है, हम दोनों सेम प्रोफेशन में है ना? उसने तो अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया, तो फिर मैं भी आ गया हीरो बनने। ओए जस्ट जोकिंग, एक क्लाइंट ने बुलाया है, बिजनेस ट्रिप पे आया हूं। सुन, तेरे माँ बाप को पता तेरे... पता है किसी ने, कुछ पता नहीं चलता, बड़े धंधे होते हैं इस दुनिया में छुप छुप के। है जी में दम तो देता हूं तेरा नंबर अपने एजेंट को, खुश कर पाएगा इन इन शौकीन जनानियों को। अरे परावा है, नहीं कर पाएगा तो मैनू दसी। ओ अंकल काम करो अपना, कच्चा नहीं छोड़ो कच्चा। ओ आंटी जी देखी जरा, बंटी दे पापा, मेरा सीरे शुरू होने वाला है, नीचे आके दाल बना लो। ओ आया, ओ तू नहीं बदला टीटू। खैर सोच ले। तो फिर आपने हनी की बात मान ली और कर दिया अपना जिस्म नीला? छी छी छी, ऐसे कैसे कोई दूसरी औरत के सामने अपने आप को नंगा कर सकता है? मैं तो अपनी बीवी के साथ भी ना लाइट्स बंद कर देता हूँ। ये 3 बच्चे हैं ना, ये भी अंधेरे का ही वरदान है। सर जी कई बार ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो आदमी करना तो नहीं चाहता, पर हालात मजबूरी में करा देते हैं।
आठ बजे है ढूंढने मौका टुन हो जाने का, दारू जारू सुट्टा पी के धुआं उड़ाने का। बेबी आठ बजे है ढूंढने मौका टुन हो जाने का, दारू जारू सुट्टा पी के धुआं उड़ाने का। कहे जवानी दिल की चाबी से तू खोल डाले, करे शैतानी सिंह के ठाड़ बाड़ मुझे जीप चिढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ डैडी जी के टेस्टों के बिलों के खर्चे। कोई नौकरी नहीं मिली? 15,000 की नौकरी में 30,00,000 का उधार चुकाने में तो मेरी पूरी जिंदगी लग जानी थी। और सर कमाल की बात तो यह है कि जिस भी इंटरव्यू में जाता था वहां किसी ना किसी कैटेगरी में तो रिजेक्ट हो ही जाता था। मेरा तो सब्र जवाब दे चुका था। तुझे पहले ही बोला था कि नौकरी कर ले, लेकिन तुझे था कि बिजनेसमैन बनके करोड़पति बनना है। अरे एक कौड़ी की औकात नहीं रहेगी हमारी मोहल्ले में। थक गई हूं मैं,
लोगों से मोहलत मांगते मांगते। तू इतने दिनों से इंटरव्यू दे रहा है, नौकरी मिली कोई? मामा जी से बात हुई थी, उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया। अच्छा किया, तू है इसी लायक। अब कहां गई तेरी गुडविल? बाप को तो पागल कर ही दिया, अब मेरी बारी है। उधार चुकता करना था और ऊपर से घर के खर्चे, रिश्तेदारों ने तो एक पैसे की मदद नहीं की। नए काम का पहला दिन था, मेरी तो फटी पड़ी थी। हेलो हेलो हनी, यार कहाँ फंसा दिया इस अबला आदमी को इन हवस की पुजारियों के बीच में। यार इतनी देर से क्या कर रहा है अंदर? हाँ कहीं सुरंग खोद कर भाग तो नहीं गया? जल्दी बाहर आजा, वरना डिंपल दरवाजा तोड़ देगी और तुझे भी। सारा नशा उतार दिया तूने डीडू। हनी यार ये ना मुझे ना नोच नोच के खा जाएंगी यार। अबे यार घबरा मत, जो इन्हें चाहिए वो दे के खुश कर दे। अबे यार हनी यार क्या क्या नहीं किया यार हनी। तक तो ठीक था हन्नी, पर अब ये मरजानियां ना दारू पीकर मेरी बोटी बोटी चबाने को तैयार हैं यार। कान खोल कर सुन ले, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली मैं तेरे इस बोरिंग टाइम पास की। हन्नी यार ये जंगली जनानियां ना अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हैं यार। ओए घबरा मत, मर्द बन मर्द। अबे मर्द को दर्द नहीं होता क्या यार? अब कॉन्डम है ना तेरे पास? अबे क्या फुद्दू बातें कर रहा है यार हन्नी यार, कॉन्डम ना एड्स रोकता है, शोषण नहीं। जल्दी बाहर आ, जो भी तेरे दोस्त के साथ गंदे दुष्कर्म होने वाले हैं ना हन्नी आज प्लीज बचा ले यार, मजाक वाली बात नहीं है आज प्लीज यार। और लड़के ऐसे मौके पाने के लिए तरसते रहते हैं, और तुझे तो पैसा भी मिल रहा है, मेरी बात मान, प्यार बांट और एंजॉय कर। चल आई एम इन द मिडल ऑफ माय एक्ट, टॉक टू यू लेटर, बाय। हनी 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 ऊपर वाले यार बचा ले यहाँ प्लीज आज। जल्दी बाहर आ। अरे बाहर आ रहा हूँ ना। निकल। अबे मेरी माँ। हाय मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। लगता है मुंडा वर्जिन है। मुझे छोड़ दो भगवान के लिए प्लीज। आजीवन आज से छोड़ेंगे नहीं यार। इतनी अच्छी चीज को भगवान के लिए कैसे छोड़ दूं मेरे राजा? मेरी जिंदगी का चक्का कुछ ऐसा चला कि मैं इस धंधे में घुसता ही चला गया। टीटू कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? टोटा वो तो देख मोटी को कितनी फनी लग रही है ना वो। मैं चेंज करके आती हूँ। क्या हुआ? रुक क्या हुआ? मेरे मंगेतर को ना मेरे मोटापे से कॉम्प्लेक्स होता था, कभी भी घुमाने के लिए नहीं लेके गया वो मुझे अपने साथ, सिर्फ पापा की खुशी की वजह से उसके ताने भी बर्दाश्त करती गई। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो सिर्फ पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रहा है तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। टीटू तू बता, मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती क्या? किसने बोला? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तुझे ये ड्रेस पसंद है ना? हाँ तो बस फिर दुनिया की परवाह ना कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हें पसंद है ना वो चीज दुनिया को तो कोई पसंद हो ही नहीं सकती। और वैसे भी जल रही थी तुझसे, आई मीन तेरे एसेट्स है। हाँ तू हरी भरी सुखी लाल मिर्च है? ऐसी बात है ना तो और चेंज करके दिखाती हूँ। टीटू मेरे साथ गुजारे हुए पल मेरे क्लाइंट्स के चेहरों पे लाखों खुशियां छोड़ जाते थे, और फिर मेरी भी जिंदगी की गड्डी धीरे धीरे पटरी पर आ गई।
गाड़ी को माला तो चढ़ा दी, अब कुड़ी को चुन्नी कब चढ़ा रहा है तू? अरे चढ़ा तो रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ। ये फोटो है मैंने दी, देखी नहीं क्या इसमें कोई? देख लेता हूँ। ये देख कितनी खूबसूरत है, इससे बात चलाऊं? अरे वाह, बहुत ही सोनी कुड़ी है। कौन है ये? तो शादी कर रहा है इससे? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, मैं तो तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो बस मुझे मेरी शादी याद आ गई। शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे हस्बैंड अब्रॉड चले गए, मुझे ये कहकर कि 6 महीने के अंदर मुझे वहां जरूर बुला लेंगे। लेकिन 3 साल बीत गए, उन्होंने मुझे आज तक नहीं बुलाया। 1 साल पहले पता चला वहां किसी अंग्रेजन के साथ शादी कर ली है, ग्रीन कार्ड के चक्कर में। पहले तो फिर भी भोले बसरे का भी फोन कर लिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं। सिमर, हाँ, वो तुम्हारा न्यूज़पेपर में कॉलम पढ़ा यार, वो एनआरआई दुल्लों वाला। अच्छा यार, क्या बैंड बजाई तुमने, मजा आ गया यार। कमाल लिखती हो तुम टीटो। लेकिन अब जो नॉवल मैं लिख रही हूँ ना, वो इससे भी ज्यादा बिंदास है। देखना, नॉवल कंप्लीट होते ही उसकी सबसे पहली कॉपी आई प्रॉमिस मैं तुझे ही दूंगी। मैं तो कहता हूँ ना कि आप जो भी करते हो ना, उसमें रब की मर्जी होती है। और फिर राइटर साहब, आपके तो हाथों में ना जादू है जी, जादू। फिर चाहे वो कलम पर चले या करछी पर। रहने दे टीटू, अब तू मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने कहाँ आया करेगा? क्यों, ये खबर क्या आपके अखबार में छपी थी? ओ जी, कौन रोकेगा मुझे? डिनर अपनी जनानी के साथ करूंगा और लंच आपके साथ। बस क्या टीटू, टीटू द प्रॉमिस है। बस अब मैं इस आदमी को और नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप मेरे डिवोर्स फाइल करने की तैयारी कर लीजिए। जी कमाल हो गया जी, क्या बैलेंस कीता जी तुसी, घर वाली और बाहर वालियां दे नाल। रब दी सौ, मेरी बेबे दी सौ। मैंने शादी से पहले सारे धंधे किए पैसे कमाने के लिए, पर शादी के बाद। हाय टाइकून। मिसिंग यू बडी, कब आ रहा है? यार टाइकून, मैंने वो काम छोड़ दिया यार। क्या बकवास कर रहा है, मुझे तेरा रेजिग्नेशन लेटर अभी तक नहीं मिला। यार टाइकून, सोलमेट को धोखा नहीं दे सकता यार। टीटू तेनू छितर पड़ जाने, व्हाट डू यू थिंक, आई एम अ मोरन? ऐसी बात नहीं है ना टाइकून, बात समझा कर यार। क्या समझूं, मैं कब बोल रही हूँ तो अपनी बीवी को छोड़ दे, अपनी घरवाली को तो घर में रख। पर मुझे मिलना बंद मत कर यार, कांट वी बी गुड फ्रेंड्स जस्ट फॉर कंपनी? टाइकून बात तो सुना कर यार। प्लीज टीटू, मैं फिर से लोनली नहीं होना चाहती। बाय। दूसरों खुशियां बांटते बांटते मेरी खुद की खुशियां मुझसे छिन गई थी। असल में गलती तो मेरी ही थी, मुझे गुलशन को सब सच सच बता देना चाहिए था, पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था। क्या लो जी, पूरी रामायण सुना डाली और पूछता अमिताभ बच्चन कौन है? आप नहीं समझोगे हैप्पी जी, मैं गुलशन से बहुत प्यार करता हूं, मैं डिवोर्स नहीं दे सकता। अरे अरे मेरी फीस। लो जी हो गया जी बेड़ा गर्क। Thank you.
छुपे पता ही न था हमें, राहों में थे कांटे बिछे पता ही न था हमें, कुछ भी हमें हासिल नहीं है, रह गई मंजिल कहीं, हैरान है दिल किस बात की ये है सजा, रोने लगी है अब दुआ खुद से हुआ है बेपता, ए रब मेरे मुझको जरा तू ये बता, क्यों हुआ वक्त हमसे खफा, इश्क से दिल जुदा क्यों हुआ इस गम की वजह, किसको पूछे यहाँ, मुझे डिवोर्स दे रही है और आज के बाद ना मुझे फोन मत करना। हेलो टीटू, हेलो। अगर तू इस बात का पता ना लगाती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलना था कि मेरा बेटा रखी लम्हा लम्हा शिकायतें, मम्मी जी we'll be right back.
बैंडमेट को धोखा नहीं दे सकता यार। गुलशन यार, टीटू वाला नॉवल पढ़ा मैंने यार, दुनिया को तो उसने खुशियां ही बांटी ना, दुनिया भर की औरतों को खुश किया, पर तुझे गुलशन, तुझे उसने झूठ बोला ना, पता नहीं कान का मुंह मारा उसने यार, मुझे तेरी चिंता होती है गुलशन, मुझे तेरी चिंता होती है। गुलशन कहीं उसे कोई सेक्स वाली बीमारी, मतलब तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, मतलब तुझे ना अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। ओए शेंटी, इलाज तो पुत्रा तुझे अपने दिमाग का करवाना चाहिए। अंकल मैं तो बस दफा हो जाए यहाँ से। अंकल मैं बस उसको बोल रहा था कि खबरदार, जो दोबारा गुलशन के इर्द गिर्द भी नजर आया तो, अरे उधर क्या देख रहा है, दफा हो जा। पुत्र इनोवल मैं भी पढ़िया, मैं ये नहीं कहवांगा कि जो टीटू ने किया वो ठीक किया, बस मैं तो इतना समझ रहा हूं कि वो तुझे बहुत प्यार करता है पुत्र, बहुत प्यार करता है तुझे वो। पापा अब क्या करने आया है तू यहाँ पर, तू यहीं पर रुक, यहाँ लेके आते शर्म नहीं आई, मैं देख कर आता हूँ। थोड़ी भी शर्म होती ना तो चुल्लू भर पानी में डूबो मरता तू है। अरे पता नहीं कौन सी मन हूँ, उस कड़ी में मैंने तेरे साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ दिया, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आई तुझे। हरप्रीत चुप कर, इन दोनों की जिंदगी का मसला है, इनको सुलझाने दे। आप बीच में मत बोलिए, आज तू कुछ नहीं बोलेगी, बहुत हो चुका। पुत्र जा, गुलशन ऊपर छत पर है। आया था, वो पेपर साइन करने जाना है, सोचा तुम्हें साथ, अब तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे लॉयर की परमिशन लेनी पड़ेगी ना। आखिरी बार साथ चलोगी? Oh, Ranjana.
लेफ्ट घर को रास्ता जाता है और राइट कोर्ट को, कहाँ जाना है? लेफ्ट ले लो, घर चलते हैं। एक काम कर, सबसे पहले तो एयर फिल्टर निकाल और बैटरी चेक कर इसकी, उसमें प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। और पूरा चेक करिए आज, वो चड्डा मैडम को वापस करनी है शाम को। टीटू जूनियर ठीक ठाक है? ठीक है, आराम से। इतना लेट क्यों हो गई आज? कब से वेट कर रहा हूँ। तुम भी ना हर रोज एक ही बात बोलते हो। अरे यार सही में वेट कर रहा हूँ, इतनी तेज भूख लगी है ना मेरे को। आज खाने में क्या भेजा है मम्मी जी ने? देख लो खुद ही। मक्की दी रोटी, सरसों का साग, तुम्हारी फेवरेट। और मम्मी ने पिनिया भी भेजी है, देखो। यार ये पिनिया देख के ना सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है ना वो बाबा जी की पिनिया है। बाबा जी की पिनिया? वो बाबा जी की पिनिया नहीं थी, वो शांति मेड पिनिया थी। पता नहीं किसको पिनिया खिला रहा होगा अब शांति। हाँ जी हाँ जी, बस आ रही हूँ। हाँ? 10,000। बाय। इतने नहीं दे सकती, जल्दी बोल, लेट हो रही हूँ मैं। बड़े कंजूस हो जी, आनंद भी चाहिए और पैसे भी नहीं खर्चने। देखो जी बारगेन करना आता नहीं हमें, 250 रुपया रेट है स्पेशल आपके लिए, देना है तो बोलो नहीं तो मैं चलता हूँ। हैं आनंद? अब पीके शीके तो नहीं आया तू? नहीं जी। ये ले 300 रुपए और 50 वापस कर, रसीद काट कर। रसीद? कौन सी रसीद है? तू चंदा नहीं ले रहा लंगर के लिए? चंदा? मैं कोई, मेरा मतलब आपको ना अपना वन नाइट चार्ज बता रहा हूँ। क्या? खसमानो खाना? आंटी माफ करता है, तुझे नहीं गलती होगी। आंटी मारो ना जब, प्लीज प्लीज आंटी, पैरी को ना, आंटी पैरी को ना, आंटी माफ कर दो। उल्लू दी पट्टी जिंद कट्टी नहीं हो जांदी है, उल्लू दी पट्टी जिंद कट्टी नहीं हो जांदी है, फड़ना मैं चाहवा मेरे हाथ नहीं हो जांदी है, उल्लू दी पट्टी जिंद कट्टी नहीं हो जांदी, पल पल मैं बदले है रंग, कभी है ढील कभी है तंग, पल पल मैं बदले है रंग, कभी है ढील कभी है तंग, प्यार की जब भी मिली इसे उस हाथ पर तगड़ा रोड़ा झगड़ा रगड़ा, टेंशन में है झगड़ा झगड़ा रगड़ा रगड़ा, टेंशन में है झगड़ा, दिमाग दी बुझ गई बत्ती, लाइफ दा हो गया कचरा, उल्लू दी पट्टी जिंद कट्टू नहीं हो जांदी है, फड़ना मैं चाहवा मेरे हाथ नहीं हो जांदी, नैन मटका धूम धड़का नाच डांडिया वो लहरी पा, मरने के हैं लाखों ढंग, जीने में पॉकेट है तंग, डांडिया वो लहरी पहने के है लाखों ढंग, जीने में पॉकेट है तंग, इसके रोज नया मोड़, कभी सिपाही कभी जोड़, इसके रोज नया मोड़, कभी सिपाही कभी जोड़, हर कोई खूंटे से बंधा जैसे बलि का बकरा, उतरा 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 फतूर सर से उतरा, झगड़ा झगड़ा रगड़ा, टेंशन में है झगड़ा, दिमाग दी बुझ गई कचरा।